दाजी, क्या हुआ दाजी को? बाजी को नागिन ने डसा है। डैड, आप अम्मी जान को लेके कमरे से बाहर जाएं। मेरे पास इस नागिन के कांटे का इलाज है। वो क्या? अम्मी जान, ये पत्ते देखें। इसका रस निकालकर दाजी को पिलाना है और फिर दाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्यों? हमारा बाहर जाना क्यों जरूरी है? जो कुछ करना है हमारे सामने ही करो ना। ये टोटका अकेले में करने वाला है। बकवास करती है ये। हमें बाहर भेज के दाजी का गला दबाना चाहती है। डैड, अम्मी जान को समझाएं। दाजी के पास वक्त बहुत कम है। मैं हरगिज़ बाहर नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। दाजी फिक्र ना करें, मैंने सारा जहर निकाल दिया, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
पाशी, पाशी मुबारक हो। जल्दी से बता, बेटा है या बेटी? तुझे कैसे पता पाशी कि मैं औलाद की खबर लाई हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेरे 72 दिन पूरे हो गए और एक नागिन 72 दिनों में माँ बन जाती है। बेटी हुई है और मैंने उसका नाम खैरुन्निसा रखा है। अरे वाह, कितना प्यारा नाम रखा है। साथ क्यों लेके आई उसे? हाँ, काली के पास क्यों छोड़ दिया? पाशी, तू तो जानती है कि काली नागदेश की केयरटेकर है और उसकी बात टालना ठीक नहीं है। हाँ, कहती तो तू ठीक है। अच्छा, तुझसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है मैंने। नाग माँ का ताज तेरे पास है ना? यही बात तो मैं तुझसे पूछने के लिए आई थी। क्या? लेकिन वो ताज मेरे पास तो नहीं है। पाशी, तू अपने इल्म और जादू से पता करके देख कि वो ताज कहाँ है। मुझे वो ताज चाहिए। मुझे भी वो ताज चाहिए। तुझे वो ताज क्यों चाहिए? तुम्हें नहीं पता सनम शाह, अनकरीब एक ऐसी रात आने वाली है जब मैं पाशी से पेरन अपने असल रूप में आ जाऊंगी, सब अपनी अपनी बुढ़ापे की शक्ल में। लेकिन अगर वो ताज मेरे हाथ लग जाए ना, 4 रातों के लिए उस ताज की मदद से एक ऐसा अमल करूंगी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान और हसीन नजर आऊंगी। लेकिन मुझे वो ताज इसलिए चाहिए कि मैं नागदेश की मलका बन सकूं और हवेली वालों को तड़पा तड़पा के मार सकूं। अच्छा, मैं अमल करके पता लगाती हूँ कि ताज हवेली में है या नहीं। ठीक है। हवेली में? वो ताज हवेली में? तू अभी जा, फौरन जा और जाके हवेली का चप्पा चप्पा छान मार। क्योंकि देख, अगर वो ताज मुस्कान के हाथ लग गया ना, तो तेरा कोई भी ख्वाब पूरा नहीं होगा। अच्छा क्या पाशी, जो तूने मुझे बता दिया, मैं अभी जाके वो ताज हवेली में ढूंढती हूँ। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मुस्कान, मुस्कान दाजी कैसे हैं? दाजी अब बिल्कुल ठीक है। मैंने उनका सारा जहर निकाल दिया है, अब वो खतरे से बाहर है। शुक्र है कि तुम एक नागिन हो, ना दाजी की जान कौन बचाता। महक, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ने जा रही हूँ और शायद इस लड़ाई में मेरी मौत भी हो जाए। अल्लाह ना करे, तुम कैसी बातें कर रही हो? महक, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो मुस्कान। पहले वादा करो, इनकार नहीं करोगे? तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है मुस्कान, तुम काम बताओ। कहानी ये है कि जब तुम अगवा हुई थी तो तुम उम्मीद से थी। ऐसा कुछ नहीं था मुस्कान, मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। मगर तुम्हें यही कहना है। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? और इससे आगे की कहानी ये है कि तुमने काली के डेरे पे एक बच्ची को जन्म दिया और अब तुम उस बच्ची को हवेली लेकर आओगे। मैं समझ गई, तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी शो करूं ताकि वो यहां तुम्हारी आंखों के सामने पलती रहे और तुम्हारा राज भी ना खुले। हाँ मैं, अगर तुम ये मेरा काम कर दो तो मैं सारी उम्र तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी।
वरना सनम जहां मेरी बच्ची को मार देगी। मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी कहानी बहुत वीक है मुस्कान। वो कैसे? क्योंकि जितना अरसा मैं इस घर से गायब रही, इतने अरसे में तो मेरी बच्ची कम से कम 1.5-2 साल की होनी चाहिए, और तुम्हारी बेटी तो भी बहुत छोटी है। नहीं महक, जिस तरह तुम ये नहीं जानती कि इच्छाधारी 72 दिनों में माँ बन जाती है, तुम ये भी नहीं जानती कि इच्छाधारियों के बच्चे कुछ ही घंटों में इंसानी बच्चों जितने बड़े हो जाते हैं। अरे वाह, फिर तो सारा मसला ही हल हो गया। ये बताओ कि हम कब चल रहे हैं काली के पास? कल रात चलेंगे। महक, मैं भी आई, तुम आराम करो। हाँ बोल कासु। बता सकती है कि मैंने तुझे फोन क्यों किया है? रायान की नागहानी मौत का अफसोस करने के लिए? अफसोस नहीं, खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया था। कासू, रायान के बाद बड़ी से बड़ी खबर खुशखबरी की नहीं सुन। मुस्कान, रायान मरा नहीं, जिंदा है। कासू, मैं इस तरह का मजाक हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं, रायान जिंदा है। रायान जिंदा है? तो जिसकी लाश मिली, जिसको दफनाया गया, वो कौन था? वो रायान नहीं था, वो सावन था। सावन? हाँ। सावन? कासू, कसम खा कि तू सच कह रहा है। तेरी जान की कसम खा कर कहता हूँ, तूने जिसकी लाश देखी थी वो रायान नहीं, सावन था। अब मैं अभी सलाश के डेरे पर हूँ, और सावन की मौत का मंजर सलाश ने अपने जादू से हमें दिखाया है। रानी ने डस के मारा है उसे। कासू, तू नहीं जानता कि तूने मुझे कितनी बड़ी खबर सुनाई, कि रायान जिंदा है। मगर कासू, अगर रायान जिंदा है, वो है कहाँ? ये तो मुझे नहीं मालूम कि रायान कहाँ पे है, मगर रायान जिंदा है। रायान जिंदा है, रायान जिंदा है, लेकिन अगर रायान जिंदा है तो वो है कहाँ? तुम यहां अकेली क्यों बैठी हो? इश्फाक रयान के मरने के बाद अजीब सी वहशत हो रही है इस हवेली से। हमें अब यहां नहीं रहना चाहिए, यह हवेली छोड़ देनी चाहिए। देखो अरफा, मेरा हाल भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, लेकिन हम इस हवेली पर काबिज हैं, इसके मालिक नहीं हैं।
फिर खजाना भी चोरी हो चुका। अब हम लोग कहां जाएंगे? मैंने कह दिया आपको, हमें ये हवेली छोड़नी है तो छोड़नी है। देखो अरफा, मैं अगर यहां और रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। आजकल काफी घूमती फिरती तो। शक कर रहे हो मुझ पे? नहीं समझ रहा। तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ कि इस घर में तुम्हारा एक शौहर भी रहता है। अच्छा तो साफ साफ कहो ना, मेरा वक्त चाहिए तुम्हें? वक्त भी और मोहब्बत भी। काहे की मोहब्बत? तुम्हारे सास ससुर अभी तक पैसे तो अरेंज कर नहीं सके। अरे यार, मुझे क्या पता था वो लोग कंगले निकल आएंगे। मुझे लगा कुछ बेचबाज के पैसे दे देंगे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं लगता। ऊपर से रेहान भी मर चुका है। एक बार मुझे वो नाकिन मिल जाए तो क्या करोगे? तो चूम लूंगा उसे। क्या मतलब? मतलब ये मेरी भोली बीवी कि एक ही झटके में उस नागिन ने हम दोनों को करोड़पति बना दिया है। वो कैसे? मतलब ये सनम जहां कि बुड्ढा बुड्ढी कितनी जिंदगी बाकी है इन दोनों की। एक बार वो मर गए तो सब कुछ महक का, और फिर जो महक का है वो मेरा, और जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा। ऐसे कैसे? रयान के मरने के बाद तो सारी जायदाद मुस्कान की हो जाएगी। ये तो सोचा ही नहीं मैंने। अब क्या करूं? जो भी करना है जल्दी करो। एक दफा बंटवारा हो गया तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। मुस्कान, मुस्कान, क्या करूं मुस्कान का? आइडिया। क्या? सनम जहां देखो, अपने सास ससुर को तो मैं एक्सीडेंट में मरवा दूंगा, और मुस्कान? मुस्कान से मैं शादी कर लूंगा। खबरदार, अगर तुमने उस नागिन से शादी करने का सोचा भी तो। अरे मुझे तो इस वक्त तुम भी नागिन लग रही हो। वो कैसे? अरे इतनी ताकत है तुमने, मेरा जबड़ा तोड़ दिया तुमने। गॉड। वैसे सजना के मुताबिक इस हवेली में दो नागिने हैं। कौन सजना? सजना सपैरन। उसने कहा है कि तुम भी एक नागिन। मैं और नागिन? तुम और कोई आम नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन, जिसने पहले मेरे दिल को ठसा और फिर रूप बदल कर मेरी दुल्हन बन गई। तुम्हें क्या लगता है मैं बच्चा हूं जो किसी सपेरन की बातों में आ जाएगा? मानता हूँ अरफा कि ये गम बहुत बड़ा है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ना। मरने वालों के साथ कोई मर तो नहीं जाता। मरने वालों के साथ मरा भी जा सकता है। कैसी उल्टी बातें कर रही हो रानी? बात तो मैं सीधी कर रही हूँ, तुम्हें क्यों उल्टी लग रही है? क्या कहना चाहती हो तुम? अगर वाकई तुम्हें रायान से इतनी मोहब्बत है तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें रायान के पास भेज सकती हूँ। होश करो लड़की, जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे इकलौते बेटे रायान को मारा है।
क्या बकवास कर रही हो तुम? रायान को किसी इच्छाधारी नागिन ने मारा था। मैं ही वो इच्छाधारी नागिन हूँ। देखो रानी, अलीमा को ढूंढ रहे हैं हम, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि तुम इस तरह डराओगी हम। मैं डरा नहीं रही, तुम्हारे बेटे रायान और मुस्कान के बाप रहमत को मैंने ही मारा था, और अब तुम दोनों की बारी है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे माँ बाप का खजाना लूट के उन्हें जिंदा जला दिया। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस वक्त मेरा हाथ पकड़ लो, डरो नहीं। नागिन, दस हमें, दस आ। सर, ये तावीज तो वाकई काम कर रहा है। हाँ, मैं हो गया शौक पूरा, ले लिया अपना बदला। मुस्कान तो बुजदिल है, खुद तो बदला ले नहीं सकी और मुझ पर हंस रही है। पागल नागिन, शुक्र कर कि अभी मैं हंस रही हूँ। तेरी मांग उजड़ने के बाद तेरा दिमाग घूम गया है, पागल हो गई है तू। पागल तो तू है जो समझती है कि रायान मर चुका है। हाँ, मर गया रायान, उसे मैंने मारा था। तड़प तड़प के मरा है तेरा रायान। अहमक नागिन, अगर रायान मर चुका हो तो तुझे क्या लगता है कि तू जिंदा हो? मैं तुझे जीने देती। तू कहना क्या चाहती है? मैं कहना ये चाहती हूँ कि रायान जिंदा है। क्या? नहीं, ये झूठ है, मैंने खुद उसे मारा था। तूने जिसको रायान समझ के मारा, वो रायान के रूप में एक इच्छाधारी नेवला सावन था। क्या? इच्छाधारी नेवला सावन? तूने जो भी किया था उसकी सजा सिर्फ मौत होती। तू बहन होकर मुझे मारेगी? नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तू नाग दोस्त और इंसान दोस्त भी। वो तो मैं हूं, लेकिन मैं तुझे माफ कर रही, इसलिए नहीं कि तू मेरी बहन, और इसलिए भी नहीं कि मैं इंसान हूं, इसलिए माफ कर रही हूं कि जिसको तूने रायान समझकर मारा वो सल्तनत नेविया का होने वाला बादशाह था। क्या? सावन नेवलियों का होने वाला बादशाह?
हाँ पागल, और अब तूने अपनी औकात से बड़ा पंगा ले लिया। अब मैं तेरे खून से अपने हाथों को नहीं रखूं। अब तेरा काम किंग सलाज ही तमाम करे। मुझे किंग सलाज से काली ही बचा सकती है। शुक्र है रायान जिंदा है। मरने वाला रायान नहीं, सावन था। लेकिन अगर रायान जिंदा है तो कहाँ है? जिंदा है तो हवेली क्यों नहीं आया? काफी परेशान लग रही। तुमसे किसने कहा कि मैं परेशान? तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि परेशान हूं। हर बार परेशानी को बयान करने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा चेहरा इस वक्त अखबार की तरह है मुस्कान, जिस पर लिखा हर हर्फ मैं बआसानी पढ़ सकता हूं। दिल बुझा हुआ है तुम्हारा, एतराब हद से ज्यादा बढ़ रहा है। गुस्सा आता है लेकिन तुम मैनेज करते हो। बोलो सही कहा ना मैंने? Am I right? जो कुछ हो रहा है सब तुम्हारे सामने है, कुछ भी छुपा नहीं। मुझे वो सब पता है जो मुझसे छुपा हुआ नहीं है, जो मेरे सामने है। लेकिन जो बातिन है जो तुम्हारे इस दिल में, मैं वो जानना चाहता हूँ। मैं अजनबियों से अपने दिल की बात नहीं कर। किसने कहा मैं अजनबी? मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। दोस्त? ये कैसी खुशफहमी पाल रखी? खुशफहमी नहीं, ये यकीन है मेरा। इर्द गिर्द में हवेली को देखो, दूर दूर तक तुम्हें मेरे अलावा कोई और हमदर्द नजर नहीं आएगा। मैं तुम्हारा राजदार बन सकता हूँ, इस हवेली का दामाद, और हमदर्द दोस्त होता है। अरे रानी, तू क्या करने आई है यहाँ पर? ताली, मेरी ताकत खत्म हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तू मुझे मेरी ताकत दोबारा दे दे। बड़ी खुशफहम है नागन, तेरा क्या ख्याल है कि तू मुझे हुक्म देगी और मैं तेरा हुक्म पूरा कर दूंगी? मैं हुक्म नहीं दे रही, मैं इल्तिजा कर रही हूँ तुझसे। और वैसे भी तू जानती है कि मैं नाग देश की मरहूमा मलका की शहजादी हूँ। जब तुझे कहा था कि तुमने मुस्कान का साथ देना है, फिर तुमने मुस्कान की मुखालफत क्यों की? काली, मैंने मुस्कान को बहुत समझाया लेकिन वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो हवेली वालों को मारना नहीं चाहती थी, ना ही हमारे खानदान का बदला लेना चाहती थी। इसीलिए मजबूरन मुझे सनम जहां का साथ देना पड़ा। तूने रहमत को क्यों मारा? रहमत मुझे मारना चाहता था। और रह गई रायान की बात, तो रायान को मारकर मैं हमेशा हमेशा के लिए मुस्कान से उसके दिल की मोहब्बत खत्म करना चाहती थी। मगर क्या? मगर क्यों? मगर रायान की जगह सावन मर गया। सावन? कौन है सावन? किंग सलाज का छोटा भाई। ये तूने क्या कर दिया? सलाज का भाई मार दिया तुमने? अब वो हम पर हमला करेगा और हवेली में नागों के कुएं को आग लगा देगा। इस सब की जिम्मेदार तू है बदबख्त नागन। जी क्या मालूम था कि रायान के रूप में सावन है।
नेवला क्यों नहीं बना? इन तमाम बातों का क्या मतलब? मेरा ख्याल है कि वो रेयान ही था। जिसे तुमने मारा है। अगर मुस्कान ने तो कहा कि वो सावन था। सावन था तो रेयान जिंदा है, और अगर जिंदा है तो वो कहाँ है? काली, तूने मुझे भी उलझा दिया है। मैं कंफ्यूज हूं कि रायान मरा है या सावन। तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बच्ची नहीं हो तुम, यू आर ग्रोन अप। देखो, तुम जानती हो कि अम्मी जान तुम्हें इस हवेली से बाहर फेंकना चाहती हैं, और मैं इस हवेली का दामाद हूं। मैं तुम्हारी तरफदारी कर सकता हूं। मुझसे दोस्ती करके तुम्हें सहारा भी मिल जाएगा और तुम्हारे सर पर छत भी रहेगी। और देखो, अब तो रयान भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहा। अकेली कब तक और किस किस से लड़ती रहोगी तुम? तुम्हारी जिंदगी में सूनापन बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारी रातें लंबी होती चली जाएंगी। ऐसे में तुम्हें किसी अपने की जरूरत तो पड़ेगी ना। एक सहारा, किसी दोस्त को। और देखो, अगर तुम ये सोच रही हो कि किसी को पता चल गया तो उससे फिक्र मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूं, यह बात हमेशा हम दोनों में राज रहेगी। किसी को हमारी दोस्ती के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी शक्ल में तुम्हें एक अच्छा दोस्त भी मिल जाएगा और तुम्हारे सर पर छत भी कायम रहेगी। पक्की बात, कोई बात किसी को पता नहीं चलेगी। 100% किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये जबान कट जाएगी लेकिन कभी कुछ उगलेगा नहीं। तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं? हाँ बताओ। तेरी इतनी जुर्रत मुस्कान। ये लड़की पटाने के घटिया तरीके किसी और पर आ गए। तुझे इसलिए माफ करेंगे क्योंकि तू सनम जमा का शौहर। आइंदा ऐसी हरकत तू जान से जाएगा। चक्की का आटा खाती हैं इस हवेली की औरतें। इन्हें तो कुश्ती करने अखाड़े में भेजना चाहिए।